Hey guys, this is Roshan and welcome to your own YouTube channel Roshanpedia, the deep knowledge versity में. तो कैसे हैं आप? और आज का टॉपिक हम लोग बात करेंगे 9/11 अटैक के बारे में. यानी कि यूएस के टर्म्स में देखें तो पहले मंथ और बाद में डे लिखा जाता है. यानी कि 11 सितंबर 2001 को जो अटैक हुआ था चार डिफरेंट टारगेट्स के, उसके बारे में जानेंगे. और माना जाता है ये जो अटैक हुआ था ये बहुत ही लंबे समय के बाद बहुत ही भयानक अटैक हुआ था. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ. ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कब हुआ था और फर्स्ट गल्फ वार कब हुआ था, और ये दोनों जो अटैक हुआ था किनके पीरियड में हुआ था, ठीक है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं. तो देखते हैं 9/11 अटैक, यानी कि 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ. 19 हाईजेकर्स जो कि अलग अलग अरब कंट्रीज के थे, वो क्या करते हैं, चार कमर्शियल एरोप्लेन अमेरिका का हाईजेक कर लेते हैं और वो चारों प्लेन को अलग अलग टारगेट बनाते हैं. फोर डिफरेंट टारगेट बनाया जाता है. पहला टारगेट होता है वो रहता है नॉर्थ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और दूसरा टारगेट यानी कि दूसरा एरोप्लेन रहता है वो कहाँ क्रैश होता है, साउथ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. तो देखो ये बड़ा बिल्डिंग था, इसका ये नहीं था कि ये बड़ा बिल्डिंग है इसलिए इस पर अटैक करना है. यहाँ पे ओसामा बिन लादेन या बोल सकते हैं ये जो हाईजेकर था, इनका ये प्लान था कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड है ये क्या करता है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड का इकोनॉमी को डिपिक्ट करता है. और ये क्या इकोनॉमिक हब था अमेरिका का यूएस का, और ये अगर इकोनॉमिक हब था यूएस का तो कहीं ना कहीं ये दुनिया का भी इकोनॉमिक हब था. तो यहाँ पे हाईजेकर का ये मर्जा था कि यूएस को गुरूर को तोड़ा जाए, उसके कॉन्फिडेंट को हिलाया जाए. और जो थर्ड अटैक होता है वो कहाँ होता है, पेंटागन बिल्डिंग पे. और पेंटागन बिल्डिंग कहाँ है, आर्लिंगटन में है. तो पेंटागन बिल्डिंग से आप लोग को याद आया होगा एक्समैन में जो मैग्नीटो को प्लास्टिक के केज में रखा जाता है, तो वही पेंटागन बिल्डिंग रहता है. और फोर्थ जो अटैक होता है वो कांग्रेस की बिल्डिंग पे होता है, या कह सकते हो वहाँ का पार्लियामेंट, और वो कहाँ पे है, पेंसिल्वेनिया में है. ये चार टारगेट में तीन टारगेट पे सक्सेसफुली वो लोग क्रैश कर पाता है, लेकिन जो चौथा टारगेट रहता है वहाँ पे पैसेंजर से थोड़ा लड़ाई हो जाता है जिसके कारण वो टारगेट पे क्रैश नहीं हो पाता है. और ये जो अटैक होता है तो यहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा पीपल मारे जाते हैं, ठीक है? और इसको कंपेयर किया जाता है ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वाशिंगटन डीसी जो कि 1814 में हुआ था, और सेकेंड इसको कंपेयर किया जाता है पेरल हार्बर पे जो अटैक हुआ था जापान के द्वारा 1941 में. तो ये जो अटैक हुआ तो यूएस शांत थोड़ी ना बैठने वाला था, तो यूएस भी कुछ रिस्पॉन्स करता है. लेकिन आपको एक थोड़ा सा क्लिप दिखाते हैं इस इवेंट का, इस डॉक्यूमेंट एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री है, आप लोग उसको पूरा देखे और ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या दुर्घटना हुआ था. No, 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 no,
डॉक्यूमेंट्री में क्या देखे कि बहुत सारे लोग कितना तरफ रहे थे, फैमिली से बात कर रहे थे, बता रहे थे कि वो लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लव्ड वंस, यानी कि पूरा एकदम बोले तो यूएस को बहुत ही बड़ा झटका दिया गया था हाइजेकर के द्वारा, ओसामा बिन लादेन के द्वारा। यूएस का रिस्पॉन्स रहता है बहुत ही ज़्यादा फेरोसियस। वहाँ पे एक्चुअली क्लिंटन को हरा कर, या बोल सकते हो कि क्लिंटन का तो टर्म ऑलरेडी पूरा हो चुका था, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश नया प्रेसिडेंट बनते हैं, और ये कौन रहते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के लीडर होते हैं और एच डब्ल्यू बुश के बेटे। तो इनका जो एक्शन रहता है, रिस्पॉन्स रहता है बहुत ही तेजी में और बहुत ही ज़्यादा फेरोसियस, बहुत ही ज़्यादा भयानक रहता है। और ये एक लॉन्च करते हैं ऑपरेशन, उसको नाम देते हैं ग्लोबल वार ऑन टेरर, और ऑपरेशन का क्या नाम रहता है, ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम। और ये जो ऑपरेशन होता है, इसमें देखा जाता है कि जो भी सस्पेक्टेड रहता है बिहाइंड द अटैक, यानी कि जो यूएस में अटैक हुआ था चारों जगह पे, जो चारों टारगेट पे अटैक हुआ था, क्रैश हुआ था, यहाँ पे जो भी सस्पेक्ट आता था उस कंट्री में जाकर उस बंदे को उठा लाता था यूएस बिना किसी परमिशन के। कोई कंट्री को कुछ नहीं जानना है, कुछ बताना नहीं है, वो गया उस कंट्री में घुसा, जिस पर शक हुआ उसको उठा के लेके चला जाता था। और इसमें ज़्यादातर उन्हीं लोग को उठाया जाता था जो कि माना जाता था अलकायदा या तालिबान रिजिम, यानी कि तालिबान गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, स्पेशली कहाँ, अफगानिस्तान में। और ये ऑपरेशन, ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूएस सक्सेसफुल रहा तालिबान गवर्नमेंट को हटाने में, और ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस कर वहीं पर मारा और उसको पानी में फेंक दिया था। जो भी प्रिजन को, यानी कि जो भी सस्पेक्टेड था, उसको लाता था कहाँ पे, पता है, गोंटानामा बे में। और ये गोंटानामा बे कह सकते हो कि इस दुनिया का नर्क है। जैसे कि भारत में सुनते हो कि सबसे ज़्यादा कठोर सज़ा मिलता है काला पानी का, लेकिन काला पानी में तो खैर मिलने भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं मिला जाता है, ना ही यूएन के, ना ही किसी कंट्री के मेंबर को, प्रेसिडेंट को, यहाँ तक यूएस का भी पावर वहाँ पे नहीं चलता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो भी यूएस फोर्स अरेस्ट करता था पूरे वर्ल्ड में, वो विदाउट किसी गवर्नमेंट को बताता नहीं था, ट्रांसपोर्ट कर देता था उस पर्सन को और सीक्रेट प्रिजन में रखता था। वो सीक्रेट प्रिजन कौन था, गुआंटानामो बे, और ये कहाँ पे, क्यूबा में। आप लोग पढ़ेंगे क्यूबा, जहाँ पे मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 में। सो एक बार रिविजन कर लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है तो वहाँ पे कैसे लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द ग्लोबल वार ऑन टेरर या फिर 9/11 अटैक के बारे में। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि 11 सितंबर 2001 में हुआ था, 19 हाइजेकर अलग अलग अरब कंट्री से थे, वो चार अमेरिकन कमर्शियल प्लेन को हाईजेक किए थे, चार डिफरेंट टारगेट था, नॉर्थ टावर, साउथ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, पेंटागन बिल्डिंग और पार्लियामेंट, जहाँ पे पार्लियामेंट में होना था अटैक, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्रैश लैंडिंग हो गया, पेंसिल्वेनिया में हुआ, और इस सब के कारण लगभग 3,000 आदमी मरे। और इस शिप को ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वाशिंगटन डीसी या फिर जापानीज अटैक जो पारल हार्बर पे होता है उससे कंपेयर किया जाता है। इसके रिस्पॉन्स में जो एच डब्ल्यू बुश के जो सन होते हैं डब्ल्यू बुश, वो बहुत ही ज़्यादा फेरोसियस और क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, और ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम लॉन्च कर दिया जाता है अलकायदा एंड तालिबान रिजिम के खिलाफ। सक्सेसफुल भी रहता है, बहुत सारे लोग को प्रिजन किया जाता है, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर ही वहीं पे मार दिया जाता है और उनको पानी में फेंक दिया जाता है। जो भी प्रिजनर आता था उसको खुद पता नहीं रहता था कि वो कहाँ से कहाँ पे है, और यहाँ तक कि जिस कंट्री से बुलाया जाता था, लाया जाता था पकड़ के, उस कंट्री को नहीं बताया जाता था, ना ही वहाँ के गवर्नमेंट को, यूएन को, यहाँ तक कि यूएस के बोल सकते हो कि गवर्नमेंट को भी नहीं बताया जाता था, ना ही किसी से मिलने दिया जाता था। गुआंटानामा बे क्यूबा में है, बहुत ही ज़्यादा नर्क वाला स्थिति है, वहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन इंटरनेशनल लॉ का नहीं मिलता है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इसका भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है या कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ये रहा मेरा हैंडल। हाँ, अगर ये कॉन्टेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, एंड जो करना है कर दो यार, बस कर दो। बाय।